हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स का ये वीडियो नवंबर महीने के लिए पार्ट फोर वीडियो है। तीन वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है तीन पार्ट में और ये चौथा पार्ट है नवंबर महीने के लिए। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियोज अपलोड करते रहते हैं आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2017 इसे अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एंड महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि 5 से 8 जनवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको बताना है ये महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से जगह पर इसे आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब है औरंगाबाद। औरंगाबाद में ये एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2017 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका उद्देश्य है लघु उद्योग और कृषि पर जोर देना और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग वेब इंटरफेस, ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए जो लोग हैं वहां जो पीने का पानी है टैंक्स में उसके स्टेटस को देख पाएंगे। तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट में यह जो सिस्टम है इसे लॉन्च किया गया है। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर चंद्र बाबू नायडू उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। इससे जो पानी की जो शॉर्टेज है पीने के पानी के शॉर्टेज को कम किया जा सकेगा और जो स्टेटस है उसको भी चेक किया जा सकेगा। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के हैं, उन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर क्वीन ऑफ इंडिया, ट्रैक्टर क्वीन ऑफ इंडिया किस लेडी को कहा जाता है। तो सही जवाब है मल्लिका श्रीनिवासन। मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में, ये मल्लिका श्रीनिवासन सीईओ हैं टैफे लिमिटेड के, ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड के की सीईओ है मल्लिका श्रीनिवासन। इनको अभी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड जो टैफे कंपनी है इसकी सीईओ है और साथ में बीबीसी के जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन 2016 का जो लिस्ट निकाला गया है बीबीसी के द्वारा उसमें इन्हें शामिल किया गया है। इनके साथ साथ जो और लोग थे इन्फ्लुएंसियर वुमन के लिस्ट में उनमें थी गौरी छिंदारका और नेहा सिंह और सनी लियोन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ट्रैक्टर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार पूछा गया था मित्सुबिशी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी, बेवरेज कंपनी है जिसने केविटा, जो कि वो भी बेवरेज बनाने वाली कंपनी है, केविटा को अक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। तो सही जवाब है पेप्सिको। पेप्सिको ने केविटा को खरीद लिया है, ये एक्विजिशन से क्वेश्चन है। सही जवाब पेप्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड, नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में बना था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट टू लास्ट ईयर, और नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं हर बार। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में, नाबार्ड को गवर्नमेंट ने अभी नाबार्ड से कहा है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट है उसको फार्मर्स को लोन के रूप में दे ताकि जो अभी विंटर क्रॉप है जैसे कि वीट, तो उसको बोने में उनको आसानी हो क्योंकि अभी किसानों के पास पैसे की कमी हो गई है डीमोनेटाइजेशन की वजह से। तो जो उसके वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है लैक ऑफ मनी की, तो उसे सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड को कहा है एक फिक्स्ड अमाउंट को लोन के रूप में देने के लिए। आपको बताना है वो अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट फार्मर्स को हेल्प करेगी।
तो सही जवाब है, सही जवाब है 21,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिल्क डे इज ऑब्जर्व ऑन, नेशनल मिल्क डे हर साल कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाया जाता है, और ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन अभी ये तीसरा मिल्क डे ही है, क्योंकि हमने जो पहला मिल्क डे मनाया था वो था 2014 में, तो ये तीसरा मिल्क डे था, और ये मनाया जाता है वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे है 26 नवंबर को, उसी ओकेजन पर हर साल मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन कौन थे? उन्होंने अमूल की स्थापना की थी, गुजरात में आनंद से ऑपरेट होता है ये, और इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्टिलाइजर कंपनी है, उसे नॉर्वे की 11 फर्टिलाइजर उसने अभी अक्वायर कर लिया है, मतलब उसके एक्विजिशन को कंपटीशन कमीशन ने अप्रूवल दे दिया है। आपको बताना है वो कौन सी केमिकल कंपनी है, कौन सी केमिकल कंपनी का यूरिया प्लांट है जिसे कि अभी ये अप्रूवल मिला है कंपटीशन कमीशन के द्वारा। इसका सही जवाब है टाटा केमिकल्स, और ये डील कितने की है? सही जवाब है टाटा केमिकल्स, और ये डील है 2670 करोड़ रुपए की। अब टाटा केमिकल्स अपना बिजनेस नॉर्वे की 11 फर्टिलाइजर को बेच देगी, इसके लिए अप्रूवल चाहिए थी कंपटीशन कमीशन की, जो कि उन्हें मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल विलेज, द फर्स्ट डिजिटल विलेज है अकोदारा विलेज, जो कि साबरमती डिस्ट्रिक्ट में है। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जिसमें ये अकोदारा विलेज है? तो सही जवाब है गुजरात। इसे इस टाइप से सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि साबरमती डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, ये भी पूछ सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट डिजिटल विलेज इंडिया का कौन सा बना है, कौन सा गांव बना है, तो अकोदारा विलेज। आपको सारी चीजें याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी होगा, यहां पर मिस्टेक हो गया है, तो ये डीबीटी सिस्टम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने किस प्रोडक्ट के लिए अभी डीबीटी सिस्टम अभी डिसाइड किया गया है, डीबीटी सिस्टम है ये कौन से प्रोडक्ट के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है? तो सही जवाब है फर्टिलाइजर के लिए अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अनाउंस्ड अ डिजिटल विलेज इनिशिएटिव टू कन्वर्ट 100 विलेजेस इनटू डिजिटल विलेजेस इन 100 डेज, 100 दिनों में 100 गांव को डिजिटल विलेज के रूप में कन्वर्ट करेगी, वो कौन सी बैंक है? आपको बताना है जिसने ये अनाउंसमेंट अभी किया है। तो इसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 100 गांवों को वो 100 दिन में डिजिटल विलेज के रूप में कन्वर्ट कर देगी। तो सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माय जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट, इस बुक को किसने लिखा है? ये बुक है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, तो आपको बताना है ये बुक किस ऑथर ने लिखा है? इसका सही जवाब है सुनीता नारायण ने इस बुक को लिखा है। पिछले साल भी कुछ एक क्वेश्चन था इस तरह से ऑथर और बुक से रिलेटेड, तो हो सकता है कि इस साल भी पूछे, और तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। इस वीडियो से रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप इससे रिलेटेड डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज डिटेल से लेना चाहते हैं, तो आप लिंक पे क्लिक करके सीधा आप पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो करंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर, उसे पढ़ने में आसानी हो और वो पढ़ सकें, वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। फेसबुक पर हमारा पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, यूट्यूब पर
पर जो चैनल है सेम नाम से है, आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो, ज्यादा अच्छा होगा फेसबुक पर कमेंट करें, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और सबका जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो पूछा जाता है तो उनका जवाब हम देंगे। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।